एक ग्राहक एक लड़की से कहता है कि तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है, एक कोठे वाली हो, अपनी औकात में रहो। तो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, साहेब कोई भी लड़की अपनी इच्छा से कोठे वाली नहीं बनती, उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। और रही बात सच्चे प्यार की, तो मैंने भी किसी से सच्चा प्यार किया था साहेब, लेकिन वो हरजाई निकला। शादी का वादा करके, सपने दिखा के, मुझे इस बाज़ार में ला के बेच के चला गया। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। इससे पहले कि आप लोग आज की इस लव स्टोरी में खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा दिल भी धड़कता रहे। साथियों, ये कहानी शुरू होती है उस शाम को, जिस शाम सूरज ढल रहा था और अभिषेक नाम का लड़का कोठे की तरफ बढ़ रहा था। कोठे की तरफ बढ़ते हुए जब वो कोठे के पास जाता है और जा करके कोठे के मालकिन से मिलता है और कहता है, मुझे एक रात बितानी है, तो कोठे की मालकिन कहती हैं कि आपको एक रात बितानी है तो 1000 रुपये लगेंगे। ये बोलता है ठीक है, 1000 रुपये देता है और मालकिन उसे ऊपर जाने की इशारा करती है। वो ऊपर जाता है और देखता है कई दरवाजे खुले हैं और हर दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी है और खड़ा होकर के उसे इशारे में बुला रही है। लेकिन उसकी निगाह एक ऐसी लड़की पे जाकर टिक जाता है जो दरवाजे के पास खड़ी तो थी लेकिन किसी को बुला नहीं रही थी। बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी, उम्र रही होगी लगभग 22-24 साल, शांत स्वभाव की, बस इसी तरह देख रही है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो लड़की कहती है, जी साहब बिल्कुल आ सकते हैं, स्वागत है आपका। जाता है अंदर और जा कर के सोफे पे लेट जाता है। लड़की भी अंदर जाती है, दरवाज़ा लगाती है और वो भी सोफे पे जाके बैठ जाती है। तभी वो अभिषेक नाम का लड़का कहता है कि क्या आप मेरा सर दबा देंगी प्लीज़। लड़की बड़ी भोली भाली सी थी, मासूम सी थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, वो स्वभाव से ऐसा जान पड़ता था। वो जाकर उसका सर दबाने लगती है और उसके बाद कुछ समय बीत जाते हैं, 4-5 मिनट, तो लड़की को लगता है साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ मैं ही बोलती हूँ। तो कहती है, साहब बड़े टेंशन में लगते हैं, किसी ने प्यार में धोखा तो नहीं दिया आपको। तो अभिषेक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम होती कौन है मुझसे ऐसा सवाल करने वाली। अरे प्यार क्या चीज़ होता है तुम्हें पता है, तुम कोठे वाली हो, अपनी औकात में रहो। तो फिर चुप हो जाती है लड़की और आंसू बहने लगते हैं उसके, और फिर एक आंसू अभिषेक के चेहरे पर भी गिर जाता है। और फिर तब तक ये उठ बैठता है और कहता है, तुम रो रही हो? तो कहती है, हाँ साहब आपने जो बात कही वो दिल पे लग गई। तो उसने बोला, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? बोले, साहब कोई भी लड़की अपनी इच्छा से कोठे वाली नहीं बनती है, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। और जहाँ तक सच्चे प्यार की बात कर रहे हैं आप, मैंने भी किसी से सच्चा प्यार किया था, उसने ला के मुझे इस बाज़ार में बेच दिया, बड़ा हरजाई निकला। वो प्यार किया था मैंने, शादी का वादा किया, सपने दिखाए और यहाँ बेच कर न जाने कहाँ चला गया। जब ये बात वो सुनता है अभिषेक, तो बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हुआ है। अच्छा आपका क्या नाम है? वो बोलती है, मेरा नाम रेशमा है। फिर ये बोलता है अभिषेक, बोलता है कि देखिए रेशमा जी, मुझे भी किसी लड़की ने धोखा दिया है प्यार में, पैसे को पाकर के वो दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली और मुझे धोखा दे दिया, बड़ा ही प्यार करता था मैं उससे, और मैं एक महीने से बड़ा परेशान हूँ, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना चलते हैं थोड़ा कोठे पे और चल करके थोड़ा शायद शांति मिले वहाँ, और मैं यहाँ चला आया। तो एक रिक्वेस्ट था आपसे। तो बोलती है, साहब हम तो आप ही के लिए तो हैं, आप बोलिए ना क्या करना है मुझे। तो उसे कहता है, देखिए मैं चाहता हूँ उसे भुलाना, और उसे भुलाने के लिए मेरे को आपका साथ चाहिए, अगर आप चाहें तो मैं उसे भूल सकता हूँ। तो लड़की बोलती है, रेशमा बोलिए साहब क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए, जितना हो सकेगा मैं वो कर पाऊँगी अगर तो ज़रूर करूँगी। तो ये बोलता है कि आप मेरे साथ ये बगल में जो पार्क है ना, डेली शाम को मैं इधर ही आया करूँगा,
क्या आप मेरे साथ पार्क में थोड़ा घूम सकती हैं, टहल सकती हैं? तो लड़की कहती है, ठीक है, मैं मालकिन से परमिशन ले लेती हूँ, अगर वो परमिशन देती हैं तो मैं आपको डेली इस पार्क में मिला करूँगी शाम को। तो वो बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं शायद उस लड़की को भूल पाऊँ। फिर उसके बाद वो दोनों लोग मिलने लगते हैं शाम को जा कर के उस पार्क में, जो बगल में पार्क था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग पार्क में टहल ही रहे होते हैं, तब तक अगल बगल का एक लड़का आता है और वो पहचान लेता है कि ये कोठे वाली है, और जा कर के पीछे से मस्करी करते हुए उसके कमर पे हाथ रख देता है। और ये बात जब अभिषेक देखता है तो आँख उसकी लाल लाल हो जाती है, आग बबूला हो जाता है, और गुस्से में वो खूब उसे पीटने लगता है, मारने लगता है। और वो लड़का पूरा छटपटाने लगता है, फिर किसी तरह से जान छुड़ा कर वहाँ से भागता है। तो रेशमा कहती है कि साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं कोठे वाली हूँ, मेरी औकात यही है, आप मेरे लिए क्यों झगड़ा मोल ले रहे हैं? और मुझे तो लगता है कि कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो रहा, मैं कल से आपके साथ टहलने नहीं आऊँगी साहब, क्योंकि अगर फिर ऐसा हुआ तो फिर आपको और मुझे ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, इसलिए साहब अब कल से मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगी। ऐसा कह के रेशमा तुरंत वहाँ से चली जाती है अपने कोठे पे, और अभिषेक भी अपने घर चला जाता है। और उसके बाद रात भर उसे नींद नहीं आती, बड़ा परेशान सा रहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर एक दिन बीतते हैं, दो दिन बीतते हैं, लेकिन कई दिनों रेशमा के साथ टहलते घूमते उससे दोस्ती सी हो गई थी, उससे अपनापन सा हो गया था। और जब एक हफ्ते उससे दूर रहा तो उसे लगा कि नहीं, रेशमा के बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे उससे प्यार हो गया है। तो वो इस बात को बार बार सोचता, फिर दूसरी तरफ ये सोचता कि वो तो कोठे वाली है, आखिर कैसे ये समाज उसे स्वीकार करेगा, मेरे माँ बाप कैसे स्वीकार करेंगे, किस तरीके से मैं उसे शादी करूँगा और ले करके अपने घर आऊँगा। ये सारी चीज़ें उसके मन में द्वंद्व चलता था, कभी रेशमा के बारे में, कभी समाज के बारे में, कभी रेशमा के बारे में, कभी समाज के बारे में। लेकिन लास्ट में वो कहते हैं ना दोस्तों कि दिल की ही जीत होती है, तो दिल जीतता है यार, दिल जीतता है। तो क्या आवाज़ निकलती है अभिषेक के मुंह से कि समाज जाए भाड़ में, मेरी ज़िंदगी है और मुझे ये ज़िंदगी में रेशमा चाहिए, मैं रेशमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं आज जा करके उस कोठे वाली से कह करके रेशमा को लेकर आऊँगा। और एक दिन शाम को अभिषेक अपने घर से निकलता है रेशमा को लाने। जब वो कोठे पर जाता है तो वहाँ देखता क्या है कि वहाँ पे रेशमा सज धज कर खड़ी है, और बगल में एक कोई साहब खड़े हैं जो कोठे की मालकिन को पैसे दे रहे हैं और रेशमा को ख़रीद करके वहाँ से लेकर जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर उसका दिल कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन फिर दिल संभालता है और संभाल करके पास जाता है, लोग खड़े थे वहाँ पे, और ज़ोर से कोठे वाली के सामने और उस व्यक्ति के सामने, रेशमा के सामने कहता है कि मैं रेशमा से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, रेशमा सिर्फ मेरी है, किसी की नहीं हो सकती। जब ये बात कोठे वाली सुनती है तो हंसने लगती है, कहती है कि अरे साहब, दो चार दस दिन घूम के लिए साथ में अपने आप को प्यार मोहब्बत की बात करने लगे, अरे ये कोठे वाली है, पैसा पैसा, जहाँ पैसा होगा ये वहाँ जाएगी, ये कोठे की दुनिया में प्यार मोहब्बत नहीं चलता। तो अभिषेक बोलता है, कितना पैसा चाहिए आपको? मुझे रेशमा चाहिए। तो कहती है, पूरे 1,00,000 रुपये लूँगी। बोलता है, ठीक है, आप इनके पैसे वापस करिए और इंतज़ार करिए, मैं अभी आया 1 घंटे के अंदर 1,00,000 रुपये लेकर के, और मैं रेशमा को लेकर जाऊँगा। तो कहती है, अरे पहले रेशमा से तो पूछ लो कि क्या ये भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ जाने को तैयार है। तो रेशमा की आँखों में आंसू थे, और सच में रेशमा भी कुछ दिन मिलने के बाद उससे प्यार ही करने लगी थी। और इस तरीके से रेशमा अभिषेक के गले लग जाती है और कहती है कि हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद अभिषेक जाता है और पैसे लेकर आता है, कोठे वाली को पैसा देता है, और रेशमा को उस दलदल से निकाल कर ले जाता है, और समाज, दुनिया, इन सभी की
खिलाफ जा करके उससे शादी करता है। शादी करने के बाद हंसी खुशी से जीवन बिताने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों ने मुझे समय दिया इसके लिए आप सभी लोगों का हाथ जोड़ करके हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।